मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं एक रिलेशनशिप में डल हो गया था। वो एक सेल्फ मेड फेलियर था, वो ऐसा एक फेलियर नहीं था कि मतलब मुझे एक ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगा कि अरे मैं तो अभी भी मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कि अरे इस साल नहीं होगा तो मैं फिर से अगले साल ट्राई करूँगा। आपको ना एक जाल सा है ड्रॉप का, उसमें आपको फंसा देगी। अभी जैसे 2024 नीट आ रहा है, उससे पहले तुम ट्राई करो कि। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हमेशा से सुना होगा कि नीट एक बस टॉपरों का खेल है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही लो परफॉर्मिंग रहा है, जिसकी एकेडमिक्स आज तक मतलब बचपन से लेकर के क्लास 12 तक 10 तक बिल्कुल उसकी एकेडमिक्स ख़राब थी, बट वो एक लो परफॉर्मिंग बच्चा नीट 4 देता है, और वो भी सिर्फ एक ड्रॉप में। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मेरी ही है। मैं अमन कुमार करंटली फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ एम्स कल्याणी का। मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि मैं बिहार के समस्तीपुर ज़िले के एक मध्यम वर्गीय परिवार का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पैसे से एक छोटे मोटे लॉयर हैं, और एक मेरी माँ हाउसवाइफ है। तो जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई बचपन से लेकर आज तक, बचपन से लेकर के क्लास 12 तक मुझे किसी भी एग्ज़ाम्स में 60% से ज़्यादा मैंने स्कोर नहीं करा। मुझे शायद ही याद होगा कि मैंने किसी पेपर में 60% से ज़्यादा स्कोर किया था, बट क्लास 9 तक ऐसा ही चलता रहा। मैं काफ़ी लो परफॉर्मिंग था एकेडमिक्स को लेकर के। टीचर्स मुझे ये कहा करते थे कि तुम क्या करोगे लाइफ में। कोई भी अगर कुछ भी ऐसे नोटोरियस एक्टिविटीज़ होती थी जिससे प्रिंसिपल चैम्बर में नाम जाता था, कि मतलब बदमाश बच्चों का, उसमें मेरा नाम आ जाता था। तो मैं बचपन से ही पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि हाँ पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा करना है। बट क्लास 10th में मेरा एक चेंज आया। हमारे स्कूल में एक नए टीचर आए जिनका नाम था नवीन कुमार उपाध्याय। वो हमारे साइंस टीचर थे, तो उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट करा। वो जानते थे कि क्लास में 50 बच्चों की बैच में मैं बहुत ज़्यादा लो परफॉर्मिंग हूँ, लास्ट के बिलो के 10% में आता हूँ, बट फिर भी उन्होंने अपना फोकस वहाँ पे रखा। अच्छा टीचर वो नहीं होता है जो आपको 90% से 95% तक ले जाए, बट अच्छा टीचर वो होता है जो आपको 60 to 90% तक लेके जाए। तो वो उस किस्म के टीचर थे कि वो चाहते थे कि मैं इस बच्चे को 60 से 90 तक कहाँ से ले जाऊँ। और होता है ना कि एक जब जो एक अच्छा टीचर होता है उनको एक थर्ड सेंस होता है कि ये बच्चा में कुछ तो ऐसा स्पार्क मुझे दिख रहा है, तो शायद उन्होंने ये स्पार्क मुझ में देखा। क्लास 10 से उन्होंने मेरे पे पर्सनली ऐसे मेहनत करना स्टार्ट कर दिया कि मतलब मुझे इस बच्चे पे मेहनत करना है। और दूसरी खास बात थी कि वो मेरे घर के पास में ही रहते थे, तो मुझे ऐसे आफ्टर द क्लासेस, आफ्टर द स्कूल भी मुझे बुलाया करते थे, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ाया करते थे। तो वो मुझे ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक चेंज लाया मेरे लाइफ में, तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है साइंस को लेकर के। तो उन्होंने साइंस पर मेरा फोकस रखा, और मैं बचपन से ही बिल्कुल स्कोर नहीं करता आ रहा था, तो किसी को ऐसा उम्मीद नहीं था कि मैं अभी आगे चल के ऐसे डॉक्टर बन जाऊंगा या फिर एक एम्स जैसे रिनाउन इंस्टीट्यूट में पढ़ पाऊंगा। तो वहाँ से मुझे एक स्पार्क मिला। फिर 10th पास करने के बाद मुझे शिफ्ट होना था कहीं फॉर माय हायर एजुकेशन, तो मैं अपना शहर छोड़ करके मैं पटना आ गया। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया। तो वो एक इजी नहीं था कि मतलब एक छोटे से शहर से पटना आना। तो बट यहाँ पे मैं अपने फादर का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार होने के बाद भी उन्होंने कभी मुझे फ़ील नहीं होने दिया कि मतलब मैं किस स्टेट से गुजर रहे थे। उन्होंने हमेशा मेरा ये सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर लोगे, और तुम्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की कमी उन्होंने मुझे फ़ील नहीं होने दी। तो वहाँ से मैं निकल के पटना आ गया। पटना में मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मैं कुछ चीज़ें ना पहले से पढ़ रखे थे। मैंने जो 11th के कुछ शुरू के चैप्टर्स थे उन्होंने मुझे 10th में ही पढ़ा दिए थे मेरे टीचर ने, तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज था। तो उससे क्या हुआ कि मैंने पहले तो एक चेंज आया कि पहले मैं 50 बच्चों के बैच में बैठ के पढ़ता था। फिर उसके बाद पटना आने के बाद ऐसे कोचिंग का कल्चर होता है कि अब 100-150 बच्चे हैं, 150-200 बच्चे हैं एक क्लास में, वहाँ पे बैठ के पढ़ना। तो इतनी भीड़ में ना मैं अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मैं खो रहा हूँ कहीं, मतलब कि मेरी एग्जिस्टेंस का क्या है इस कोचिंग में। तो फिर वहाँ से एक एडवांटेज मिला कि मैं जो कुछ स्टार्ट के चैप्टर पढ़ रखा था तो उसके जो भी न्यूमेरिकल जैसे क्लास में टीचर्स कराते थे तो वो मैं सबसे पहले आंसर कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसको इस तरह से बनाना चाहिए था, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए वो चीज़ नहीं थी। मैं पहले से एक राउंड में वो पढ़ चुका था 10th क्लास में। तो वहाँ से टीचर्स को भी फील हुआ कि इस बच्चे में कुछ तो स्पार्क है। तो उन्होंने कुछ टीचर्स ने मेरी बात करके, कोचिंग में कल्चर होता है टॉपर्स बैच का, मुझे वहाँ पे प्रमोट कर दिया गया कि आप इन बच्चों के साथ पढ़ोगे, ये टॉपर्स का एक बैच है। तो वो बैच और काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, मतलब 100-150 बच्चों के बीच में पढ़ाई कर रहा था, अब मैं 30 बच्चों के बीच में पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर मेरे को शिफ्ट कर दिया गया। तो अच्छी पढ़ाई मेरी चल रही थी वहाँ पर, 11th में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक चीज़ मैं प्रिपरेशन के दौरान बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे 11th में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि मैं एक रिलेशनशिप में डल हो गया था। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ हो, ठीक है। तो आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ। तो मैं वो एक रिलेशनशिप में इंडल्ज हो गया था, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी सी मतलब डगमगा गई थी, बट मुझे पता था कि हाँ मुझे करना क्या है। तो 11th ऐसे जैसे जैसे करके गुजरता चला गया 11th में आके। बट 12th में जब आया मैं सोचा कि सब कुछ फ्रेशली स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 11th के लास्ट के फिजिक्स के चैप्टर्स मैंने ख़राब कर दिए हैं। मैं 12th फिर से थोड़ा सा फ्रेशली स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे, रिलेशनशिप थे, सब कुछ मैं अवॉइड करने लगा कि मुझे फिर से फ्रेशली स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम में सबसे बड़ा रोल हो जाता है फैमिली का। फैमिली सपोर्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा था प्रिपरेशन के टाइम में। मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होने दे रहे थे, जैसे टेस्ट में भी मेरे कुछ कुछ कभी कभी लो मार्क्स आ रहे थे, तो उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया कि हाँ यू आर लैकिंग बिहाइंड समथिंग। तो मेरी मदर ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया कि मतलब मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे बहुत अपना अटेंशन और टाइम अपना पढ़ाई पे देना होता था। तो इसमें मेरी मदर ने क्या सपोर्ट किया, वो मेरा शहर जो था वो मेरे कोचिंग सेंटर से 90 किलोमीटर्स दूर था, बट मेरी मदर ऐसे मंथली आती थी, क्योंकि मेरे जो कपड़े थे वो चाहती थी कि मैं अपने कपड़े खुद से वॉश नहीं करूँ और वो खुद वॉश करे, ताकि मेरा जो टाइम है कपड़े धोने का वो बच सके। तो वो उन्होंने ये डिसाइड किया मैं मंथली जाऊंगी और ऐसे कपड़े लेके आऊँगी। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग कि मतलब आप ऐसे आपकी मदर आ रही है कपड़े लेके और खुद वॉश करेंगे, क्योंकि यू कैन यूज़ लॉन्ड्री भी ना। बट आप कई बार ना आपको अपने पेरेंट्स की कुछ चीज़ों को मानना होता है, क्योंकि दे फील इन्वॉल्व इन दैट। मतलब आपकी जो जर्नी है उसमें उनको एक इन्वॉल्व फील होता है कि आई एम इन्वॉल्व विद दिस जर्नी ऑल्सो। तो इसलिए मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है आप कर लो अगर आप चाहते हो तो 12th में काफ़ी बच्चे मेरे कोचिंग में KVPY एग्ज़ाम करके अपियर हो रहे थे। बेसिकली KVPY एक एग्ज़ाम होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना बोलते हैं। तो मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट उसमें अपियर होते हैं, बट मेडिकल वाले स्टूडेंट भी अपियर हो रहे थे। तो मैं भी सोचा कि मैं अप्लाई करता हूँ, और जब मैं KVPY एग्ज़ाम दिया तो उसका रिजल्ट आया। मैंने बायोलॉजी काफ़ी अच्छा पढ़ रखा था पहले से, तो उसमें मैंने वो एक मेरे लिए की एडवांटेज था, और मेरा KVPY में रैंक 740 आया, ऑल इंडिया रैंक 740। तो वहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, देयर इज़ समथिंग लेफ्ट इनसाइड मी, कि कुछ तो है मेरे अंदर, स्पार्क है। तो मुझे वहाँ से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। लेकिन उसमें एक ख़राब चीज़ हुई कि जो मेरा रैंक था KVPY में, वो मेरे कोचिंग में बाकी बच्चों से सबसे अच्छा रैंक था मेरा, कंबाइनिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो वहाँ से ना मुझे एक ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगा कि अरे मैं तो अभी भी मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने जो पढ़ाई मैं अपना कंटिन्यू कर रहा था उसमें भी मैंने एक ब्रेक लगा दिया कि अब तो मैं कर ही लूँगा, ये एग्ज़ाम मेरे से हो गया तो नीट तो मेरे से हो ही जाएगा। तो लास्ट के कुछ मंथ में ना मैंने पढ़ाई मतलब बिल्कुल कम कर दिया। मतलब मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होने का रीज़न था वो एक सेल्फ मेड फेलियर था। वो ऐसा एक फेलियर नहीं था कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और मेरे से नहीं हो पाया, वो एक मेरा सेल्फ मेड फेलियर था। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 446 जैसे तैसे करके स्कोर किया। इवन मुझे याद है कि मेरा जो पहला नीट का अटैम्प्ट था वो मुझे देने जाने का भी मन नहीं था सेंटर पर। मेरे फादर आए थे मुझे नीट का एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि चलो आज नीट का पेपर है तो वहाँ देना है, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मतलब वो मेरे साथ जाएं। मैंने शुरुआत में आपको बोला कि पेरेंट्स दो मतलब ऑल दो पेरेंट्स बहुत मासूम होते हैं, वो चाहते हैं कि आपके हर जर्नी में वो आपके साथ इन्वॉल्व रहें। तो वो आए थे मुझे पेपर दिलाने के लिए, और मेरा ऐसा कुछ खास नहीं था कि मन नहीं था कि मैं जाऊँ ही पेपर देने, क्योंकि मेरे को पता था कि ये मेरा एक सेल्फ मेड फेलियर होने वाला है और मैंने सब कुछ बिगाड़ रखा है, सब कुछ जो मैं शुरू किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं फिर भी पेपर देने गया, और मैं ये चाह रहा था कि कैसे भी ये पेपर कैसे भी मैं नहीं दे पाऊँ। तो मैं आधार कार्ड ही छोड़ दिया था ऐसे घर पे अपने हॉस्टल पे। तो फिर उसके बाद फिर मुझे जब मैं जा रहा था रास्ते में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे चीज़ों से भागना नहीं चाहिए, आपको जो भी आपको फेस करना होगा, क्योंकि आपने ही सब कुछ ये सिचुएशन खड़ा किया है। तो मैं फिर ऐसे कैसे भी प्रिंट आउट करके आधार कार्ड फिर मैं अपने सेंटर पे गया और अपेयर हुआ इस एग्ज़ाम में। बट मेरा अंदर से बिल्कुल मन नहीं था कि मैं वो पेपर दूं, क्योंकि मैंने सब चीज़ों को बिगाड़ रखा था। मैं मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जिस जो मतलब क्वालिटी थी मेरे अंदर, उसको मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया था। तो फिर ऐसे करके मेरा रिज़ल्ट आया 446, और कहीं ना कहीं मेरे फादर को ये बात पता था कि मैं मतलब काफ़ी अच्छा शुरू में कर रहा था, बट मैंने खुद से सब कुछ ख़राब किया है। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरे फादर ने कभी ने मुझे डांटा नहीं कि मतलब तुम इतना अच्छा तो कर रहे थे, क्यों मतलब लास्ट में आके इतना ख़राब कर दिया। उन्होंने मुझे फिर से सपोर्ट किया कि हाँ तुम वैसे भी, पहली बात तो नीट में जो ड्रॉप है 1-2 ड्रॉप आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नीट ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप, हाँ लोग क्लियर करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, बट नीट ऐसा भी पेपर नहीं है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना। अगर मतलब अगर आप चाहते हो कि एक ड्रॉप लेना, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ड्रॉप लो, मतलब नॉर्मलाइज करो इस चीज़ को कि हाँ मैं 1-2 ड्रॉप ले सकता हूँ अगर मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेवीली मतलब कि मुझे 1 ड्रॉप लेना पड़ रहा है क्योंकि मैं पढ़ के अच्छे से नहीं दे पाया। तो मैं, मेरे फादर ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हाँ तुम कर लोगे, फिर से तुम एक बार ट्राई लो, अपना अटैम्प्ट लो। तो इस बार फिर से मैं अपने सेम कोचिंग में गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि मैं ये चीज़ बदल दूँ, वो चीज़ बदल दूँ, मेरे पढ़ने का तरीका बदल दूँ, मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वो बदल दूँ। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। आप उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश करो, ना कि बाकी अदर चीज़ों को। तो मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण मैं खुद हूँ, मेरा कोचिंग नहीं है। तो मैंने उसी कोचिंग में कंटिन्यू करा। मैं सोचा कि मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मेरे लिए पहले से मैं जानकार हूँ कि कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और कैसे चीज़ें वहाँ पे चलती है। तो मुझे ये चीज़ समझ थी, तो मैंने कोचिंग बदलने का निर्णय नहीं लिया, मैं उसी कोचिंग में कंटिन्यू किया और होपफुली मेरा सेम उसी बैच में मेरा फिर से स्टार्ट हो गया पढ़ाई, जो मेरा सेलेक्टेड 30 बच्चों का बैच था। तो उस बैच में एक खास बात थी कि वो ड्रॉपर्स का ही बैच था, मतलब वो उस बैच में उतने ही लोग थे जिन्होंने नीट में एक ना एक बार ड्रॉप लिया है। और उस बैच में एक खास बात क्या थी कि जो सबका नीट का प्रीवियस ईयर का जो रैंक था और जो मार्क्स था, उसमें सबसे कम रैंक मेरा था और सबसे कम मार्क्स मेरा था। मेरे 446 नंबर थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, बाकी जो भी मेरे बैच में बच्चे थे सबका 500 से अबव मार्क्स था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक मतलब डाउन करता था कि इस बैच में मैं सबसे कम स्कोर वाला हूँ। लेकिन फिर मुझे यही याद आता था कि मैं तो बचपन से ही लो परफॉर्मिंग रहा हूँ, मतलब अगर लो परफॉर्मिंग रह के भी मैं यहाँ तक आ गया, मैं KVPY क्लियर कर लिया, ऑल इंडिया रैंक 740 स्कोर कर लिया, तो मैं कहीं ना कहीं इससे भी मैं आगे निकल ही जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे स्कूल के टीचर हमेशा एक चीज़ कोट करते थे, मैं उसको यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि मेरे टीचर कहते थे ना कि जो बैम्बू ट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे आप बैम्बू ट्रीज़ में देखोगे कि जो बैम्बू ट्रीज़ को ना जगह नहीं मिलती है ऊपर ग्रो करने के लिए, वो साइड से ऐसे जगह अपना निकाल करके वो ग्रो कर ही जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल मैंने अपने माइंड में रखा था कि हाँ मैं भले ही मेरा स्कोर कम है बट मैं कहीं ना कहीं से यहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा, बाकी लोगों के लेवल पर पहुँच ही जाऊँगा। तो और दूसरी चीज़ मेरे माइंड में थी कि ये फेलियर जो है वो मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे पता था कि ये मेरा सेल्फ मेड फेलियर है, तो मुझे पता था कि ये मैं कोप अप कर लूँगा। तो मैंने फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और इस बार मैंने जब ड्रॉप लिया ना, तो मैं आप लोगों को भी ये अवेयर करना चाहता हूँ कि जब आप ड्रॉप ले रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में होनी चाहिए कि आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो। जैसे मेरे माइंड में ड्रॉप लेने का एक रीज़न था कि मैंने फिजिक्स बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा से करना है, इस बार बहुत ज़्यादा टाइम लेना है। तो पहली बात तो आपको अपने ड्रॉप का रीज़न पता होना चाहिए कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं ये ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरा आखिरी ड्रॉप हो। आप ये इंटेंशन से मत जाओ कि अरे इस साल नहीं होगा तो मैं फिर से अगले साल ट्राई करूँगा, ये मेंटालिटी बहुत ही ख़राब है। ये आपको एक सीरीज ऑफ ड्रॉप, मतलब एक आपको ना एक जाल सा है ड्रॉप का, उसमें आपको फंसा देगी। हर साल आप यही सोचोगे कि अरे इस साल नहीं होगा तो मैं अगले साल कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है कि सीरीज ऑफ ड्रॉप से बचने के लिए एक तरीका है कि आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है कि ये मेरी आखिरी ड्रॉप होने वाली है। तो इन 2-3 चीज़ों को मैंने माइंड में रखा था कि मुझे फिजिक्स पे बहुत वर्क करना है और दिस विल बी माय लास्ट ड्रॉप। तो ये सब सोच के मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो कुछ चीज़ें मैंने जो 11-12 में जो मिस्टेक किया था वो मैं ड्रॉप में मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। वो सब चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो फिजिक्स पढ़ने का मेरा तरीका था, पहले स्टार्ट में मुझे फिजिक्स इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं लगा था क्योंकि जो फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स थे वही मैंने अच्छे से नहीं पढ़े थे, क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके बेसिक चैप्टर्स का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो मैंने ना बेसिक के चैप्टर्स ही अवॉइड कर दिए थे और मतलब मैं सोचता था कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। तो इस बार मैं इस चीज़ को अवेयर था और मैंने बेसिक के चैप्टर बहुत अच्छे किए। इसमें मेरे फिजिक्स के टीचर ने भी मेरा काफ़ी हेल्प किया कि हाँ उन्होंने मेरे को समझा कि हाँ इसका फिजिक्स ही वीक है, अगर इस पर हम लोग काम कर लिए तो ही विल गेट अ गुड कॉलेज। तो उन्होंने मेरे पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे उनका भी यही इंटेंशन था कि वो मेरे लिए फिजिक्स को बस इंटरेस्टिंग बनाए। कई बार क्या होता है ना कि आपको अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगता है तो आप खुद पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो वो उनका यही इंटेंशन था कि मैं कैसे इसको इंटरेस्टिंग बना दूँ इसके लिए। तो शुरू के चैप्टर्स उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मेरे को बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताएं कि देखो इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन ऐसे ट्रिक्स से कर सकते हैं। तो मुझे फिर धीरे धीरे फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगा। दूसरी बात क्या है ना कि आप जब ड्रॉप लेते हो तो आपको अगर पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में लैग कर रहा हूँ तो उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आप अगर फ्रेशर्स की तरह पढ़ोगे जैसे 11-12 के बच्चे पढ़ते हैं कि मैं हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहा हूँ, अगर आप उस तरह से पढ़ोगे तो फिर अगले साल आपको वही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा और फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टेंशन देना है, तो मैंने फिजिक्स को ज़्यादा टेंशन देना शुरू किया। मैं अपने दिन का ज़्यादा टाइम फिजिक्स को देता था। दूसरी बात, प्रिपरेशन के टाइम में ना आपको अपना स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा फिक्स करके रखना होगा, ठीक है। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान 11वीं 12वीं में कई बार गलती करते थे कि मैं रात को 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक जगे रहता था, और इसकी वजह से मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। तो मैंने ड्रॉप में ये चीज़ अवॉइड किया कि मैं ड्रॉप ईयर जो था मेरा, उसमें मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं 12 बजे से पहले सो जाऊँ और 6 बजे से पहले उठ जाऊँ। ये हमेशा आपको ना एक प्रिपरेशन के दौरान ना एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छी नींद नहीं लोगे तो आप जो पढ़ रहे हो दिन भर का वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा। तो एक आपका प्रॉपर स्लीप का शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आज और ज़्यादा पढ़ना है, तो आप ऐसा करो कि अगले दिन पढ़ लो। फिर स्लीप शेड्यूल ठीक करने के बाद आप जब सुबह उठते हो, ठीक है, मेरे से कई बार बच्चों, मैं जब नीट क्लियर किया था अपने सेकेंड अटैम्प्ट के बाद, मतलब मैंने जो एक ड्रॉप लिया था उसके बाद जब मैंने नीट क्लियर किया था, उसके बाद मैंने ना कई एस्पिरेंट से बात किया, घंटों तक एस्पिरेंट से बात किया, नीट एस्पिरेंट जो हैं जिनसे मैं बात किया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करके कि वो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि मैं खुद उन सब चीज़ों को फेस किया हूँ ना, तो वो घंटों मैं बात करता हूँ तो बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि भैया आपका जो टाइमिंग है पढ़ने का, आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपका रूटीन क्या था। तो पहले बात तो मैं एक बता दे रहा हूँ कि टाइमिंग कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आप 8 घंटे पढ़ोगे तभी आपका नीट हो जाएगा या 6 घंटे पढ़ोगे तभी आपका नीट हो जाएगा। टाइमिंग बच्चों टू बच्चों वेरी करता है, ठीक है। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे को भी 6 घंटे ही पढ़ने पड़ेगा, हो सकता है मुझे 8 घंटा चाहिए उसी चीज़ को समझने के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप किसी के कहानी को अपनी कहानी मत बनाओ कि मैं वो भैया 12 घंटे पढ़ते थे तो मैं भी 12 घंटे ही पढ़ूँगा। आप अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश करो कि आप कितना ज़्यादा मतलब टाइम में पढ़ने में कंफर्टेबल हो। फिर दूसरी बात मैं और एक ऐड करना चाहूँगा शेड्यूल में कि आप अपना ना एक सीक्वेंस बनाओ नीट में पढ़ाई करने का। मतलब जब जैसे मैं ड्रॉप ईयर में क्या करता था, जब मैं सो के उठता था मैं सबसे पहले बायोलॉजी उठाता था, ठीक है। सुबह के टाइम आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो ज़्यादा मेमोराइज होगा, ठीक है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, देन फिजिक्स पढ़ता था, ठीक है। आप टाइम भी फिक्स कर लो कि इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट को करना है, और ऐसे करके एक सीक्वेंस बनाओ कि बायोलॉजी देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। हर दिन का मेरा शेड्यूल यही रहता था, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने अपने ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करना शुरू किया, और मैं जो गलतियाँ था जो मेरे ड्रॉप ईयर में 11-12 में जो मैंने गलती किया था वो ड्रॉप ईयर में मैं अवॉइड करने की कोशिश करता रहा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या होती है ना कि आपको ना फ़ोन का जो डिस्ट्रैक्शन है ना उससे आपको दूर रहना पड़ेगा जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली नीट, क्योंकि आप नीट जान रहे हो कितना कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि आपको पता होगा कि नीट में 100 चैप्टर्स हैं टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के 11-12 में, और आप जान रहे हो कि 20 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हो रहे हैं और सीट कहाँ 1 लाख से भी कम है, ठीक है। तो आप जान रहे हो कि लेवल ऑफ कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना आप अवॉइड करो। आप कोशिश करो कि 2 साल या 1 साल जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो मैं स्मार्टफोन बिल्कुल ही अवॉइड किया था। मैं जहाँ पे रह रहा था मैं अपना फ़ोन मैंने फ़ोन ख़रीदा ही नहीं था। मैं जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड था मैं उनका फ़ोन यूज़ करता था घर पे बात करने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन बिल्कुल नहीं था, तो एक डिस्ट्रैक्शन मेरा कट हो गया। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं ऐसे म्यूज़िक सुनता था अपने दोस्त का फ़ोन लेकर के, क्योंकि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद था। म्यूज़िक में भी मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप कुछ ना मोटिवेटिंग म्यूज़िक सुनो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा हर पेपर जो भी मैं इंटरनल पेपर देने जाता था अपने एग्ज़ाम से पहले, मैं एक सॉन्ग है बेसब्रियाँ करके अरमान मलिक का, वो मुझे काफ़ी एनर्जी देती है। आप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वही सॉन्ग सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक फिगर आउट करो कि कौन सी ऐसी सॉन्ग है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको एक पुश दे रही है और आपको मतलब आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है। तो मेरे लिए वो सॉन्ग था बेसब्रियाँ अरमान मलिक का, तो मैं ऐसा सुनता था हर पेपर से पहले अपने। फिर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो आप पेपर दे रहे हो तो सिर्फ पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको एनालाइज करो। हर पेपर के बाद हर पेपर की एनालिसिस उतनी इंपॉर्टेंट है जितना पेपर देना इंपॉर्टेंट है। तो आप हर पेपर को एनालाइज करो कि मैंने जो भी मिस्टेक किया इस पेपर में वो अगली बार मिस्टेक ना हो। मैंने जो ड्रॉप ईयर में पढ़ाई स्टार्ट की थी, शुरू में ही मेरे दिमाग में प्लानिंग था कि मैं कैसे पढ़ूंगा ड्रॉप ईयर में, क्योंकि प्लानिंग इज़ द की। अगर आप अच्छे से प्लान करते हो तो और इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अब्राहम लिंकन को कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला था कि इफ़ यू गिव मी 6 आवर्स टू चॉप अ ट्री आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 आवर टू स्ट्रेंथन माई एक्सेल। तो वही बात है ना कि आप कितना स्टार्ट अच्छे से करते हो, प्लान कितना अच्छे से करते हो, उसको इम्प्लीमेंट कितना अच्छे से करते हो। तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी स्टार्ट से ही कि मुझे किस किस एस्पेक्ट्स पे वर्क करना है और किस किस मेरे वीकनेसेस पे मुझे वर्क करना है। तो मुझे मेरा वीकनेस था फिजिक्स, मैंने बहुत वर्क किया। ऐसे करते करते मेरा कोविड टाइम आ गया। फिर से मैं जब ड्रॉप ईयर में था 2020 की बात है, उस टाइम कोविड स्टार्ट हो गया। मेरे एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले ही कोविड आ गया था। तो सब लोग ऐसे घर पे शिफ्ट हो गए अपने, क्योंकि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके थे। और कोविड वाज द टफेस्ट टाइम फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे ऐसे अकेले में पढ़ने की आदत था, तो अचानक से घर पे शिफ्ट हुआ तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू स्टडी एट होम, क्योंकि मुझे तो बचपन मतलब हमेशा से आदत थी कि मैं अकेले पढ़ूँ, तो इसलिए मेरा काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगे। तो फिर मैं इसको फिगर आउट करने के लिए, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अपने जो शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनसे बात करा, कि क्योंकि उस टाइम क्लासेस हो नहीं रही थी तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम ऐसे खाली ही थे, तो मैं सोचा कि उनसे बात करता हूँ कि मुझे वो क्लासरूम मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ के अपने अकेले सेल्फ स्टडी कर पाऊँ। तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग सबके रीजन्स थे। तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे हाँ बोला कि हाँ आप आ जाओ मेरे क्लासरूम में पढ़ लो। देखो प्रॉब्लम्स आपको, मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आपको हर मोड़ पे आएंगे, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो एक साल ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ जाने वाला, बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपको ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा कि हर प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ, खुद से कैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पून फीड कर पाएगा आपको कि मतलब हाँ, मतलब जैसे स्कूल में टीचर्स किया करते थे कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो मैं आके तुमको ऐसे पढ़ा दूँ, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा और खुद सारे प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना पड़ेगा और उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढना पड़ेगा खुद से। तो वहाँ से मुझे एक टीचर ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम मेरे कोचिंग में आके क्लासरूम में पढ़ सकते हो। तो वहाँ मुझे एक हेल्प मिला, ठीक है। और कोविड टाइम बहुत ज़्यादा मेरे लिए ऐसे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन होता है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो लास्ट 1 मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। मैं अभी कुछ लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटजी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आप लास्ट 1 मंथ में कि कौन कौन सी चीज़ें आप करके आप अपने स्कोर को थोड़ा और बूस्ट कर सकते हो। तो लास्ट 1 मंथ की जो स्ट्रैटजी होती है ना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होती है, कि आखिरी मंथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका एक अच्छा रैंक दिलाने में। तो मैंने लास्ट मंथ में कुछ अलग चीज़ें की थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने का जो मेरा तरीका था, मैं एक एक्टिव रीडिंग करके मैं सोचता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं एक्टिव रीडिंग बोलता था। आप लोग भी ट्राई करो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का कि आप जो भी एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ो तो हमेशा ये नहीं कि मैं लेटा हुआ हूँ और बायोलॉजी की किताब एनसीईआरटी की पढ़ रहा हूँ, ये ऐसा मत करो। हमेशा एक्टिव रीडिंग करने की कोशिश करो। आप एक टेबल चेयर पर बैठो, अपनी किताब खोलो और हर जो भी आप मतलब पढ़ रहे हो, जो भी लाइन पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, तो आप जो भी लाइन पढ़ रहे हो उसको अंडरलाइन करो और एक रफ शीट ना अपने पास रखो जिस टाइम आप पढ़ रहे हो। तो उस रफ शीट में जैसे मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन पढ़ रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें ना 2-3 कीवर्ड्स हैं, जो भी कीवर्ड्स है ना उसको आप रफ शीट पे लिख लो, ठीक है। जैसे इस लाइन में कीवर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और पावर हाउस, तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा रफ शीट है मैं ये दोनों कीवर्ड वहाँ पे लिख लूँगा। इससे क्या हो रहा है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप उस लाइन को देख भी रहे हो, आप खुद रीड कर रहे हो तो उसको आप सुन भी रहे हो और उसको लिख दे रहे हो। तो ये ना 3-4 सेंसेज आपके एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो इससे ना लॉन्ग टर्म में आपकी वो चीज़ें जाएंगी। और नीट जो है ना, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में बायोलॉजी में मोस्टली कीवर्ड वाले ही सवाल हैं, कि मतलब ये कोई एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको सेलेक्ट करना जो ऑप्शन वो कीवर्ड ही रहता है। तो इस तरह से ना आप कीवर्ड का जो गेम है आप समझ पाओगे और उस कीवर्ड को आप ट्राई करो कि उसी टाइम एक रफ शीट पे लिख लो। तो ये चीज़ मैं क्या करता था, मैं इसको एक्टिव रीडिंग बोलता था कि एनसीईआरटी हमेशा जो भी करो एक्टिव रीडिंग करो, ताकि आपके सारे सेंसेस मतलब एक्टिव हों उस टाइम और आपको ज़्यादा दिन तक याद रहे। फिर लास्ट 1 मंथ में मैंने बहुत सारा पेपर दिया है। मैं सबसे पहले ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैं एक चीज़ और एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, स्टार्ट से ही आप कोशिश करो कि PYQ साथ देखते चलो। जैसे मोस्ट ऑफ द लोग ये एडवाइस करते हैं कि PYQ आप लास्ट में देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बट मेरा मानना है ना कि जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट से एंड आपने कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, आप जब टाइम आया क्वेश्चन सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल लगाने का उस चैप्टर का, तो एक बार ना PYQ से थोरो कर लो, PYQ देख लो एक बार अच्छे से कि इस चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इससे क्या होगा ना कि आप जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो उस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, तो आप ना बहुत ज़्यादा उस पर फोकस्ड रहोगे कि हाँ ये सवाल तो पिछले साल नीट में पूछा गया था या उससे पहले नीट में पूछा गया था, तो आप ज़्यादा अटेंशन देके उस सवाल को सॉल्व करोगे और वो आपके लॉन्ग टर्म में ज़्यादा जाएगा। तो हमेशा ना जिस चैप्टर को जिस टाइम आपने किया है उसी टाइम आप PYQ देख लो कि हाँ PYQ में ये तरह के क्वेश्चन है और मुझे इस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखना है। फिर अगली चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो लास्ट 1 मंथ है मेरे, उसमें मैंने ना टेस्ट बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे। मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि जो आपका 30 डेज है, लास्ट 1 मंथ का जो 30 डेज है, उसमें जो मैंने शुरू के 15 दिन था, मैंने सारे 15 दिन डेली टेस्ट दिए थे मैंने। और लास्ट टाइम ना तुम कोशिश करो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना वो एज अ सेट के फॉर्म में करो। जैसे मान लो कि 2019 का पेपर तुमने उठाया और क्वेश्चन नंबर 1 से 180 तक तुम एकदम फिक्स टाइम में 2 से 5 के बीच में ही तुम करने की कोशिश करो कि इस 3 घंटे में ही मुझे ये 180 क्वेश्चन करने हैं 2019 का पेपर। मतलब मैं ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी ईयर को, मतलब तुम हर ईयर का मतलब पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो एटलीस्ट एग्जाम देने से जाने से पहले। अभी जैसे 2024 नीट आ रहा है, उससे पहले तुम ट्राई करो कि 2010 के बाद के जितने पेपर हैं अभी 2023 तक, तुम सब पेपर एक एक बार एटलीस्ट 2 से 5 जो तुम्हारा आखिरी मंथ है उसमें 2 बजे से 5 बजे तक तुम बैठो हर पेपर को लेके और एकदम एक्चुअल नीट एग्जाम की तरह तुम देने की कोशिश करो हर पेपर को। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे 2 से 5 इस तरह का पेपर को देना है, तो लास्ट दिन तुम्हें ऐसे नर्वस फील नहीं होगा। लास्ट में मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो खुद बहुत सारी गलतियां करने से बचो, दूसरे की गलतियां से सीखने की कोशिश करो। क्योंकि मैं जब नीट का प्रिपरेशन करता था ना तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो स्टॉक्स नीट करके, तो उसमें क्या होता था ना कि पहले क्या होता था कि बच्चे खुद गलतियां करते थे, खुद एक ड्रॉप लेते थे, फिर उस गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करते थे। बट अब जो स्टॉक्स नीट आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि जो हमारे सीनियर्स हैं जो अभी फिलहाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नीट अच्छे रैंक से क्लियर किया और अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या अपने प्रिपरेशन के टाइम में गलती की थी और उस गलती को आप अवॉइड करने की कोशिश करो। एक अच्छा इंसान की यही खूबी होती है कि वो दूसरे की गलतियों से सीखता है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो स्टॉक्स नीट का, जहाँ पे बच्चे अपने पूरा प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी को बताते हैं और अपनी गलतियों को बताते हैं कि हाँ मैंने ये गलती किया था। तो आप उन सारे गलतियों को देखो कि क्या क्या गलतियाँ होती है बच्चे से और उससे सीख लेने की कोशिश करो कि मैं ये गलतियाँ ना करूँ। विशिंग ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024। थैंक यू।